अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। Sorry, my party. Hey, sweetie. तुम्हारी जो ड्रिंक है ना, इसमें बिल्कुल कम नहीं है। Repeat. मेरा है। और इसका दो। I'm sorry, sir. आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। Wait, क्यों? ड्रिंक का स्टॉक खत्म हो गया तो। What the hell? Rocking. रणवीर की पार्टी में ड्रिंक्स खत्म। सर वो जितना ऑर्डर दिया था उतना कंज्यूम हो गया, एक्स्ट्रा मंगवाया है सर। यू जस्ट शट अप। ओके सर, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इधर आ। सॉरी तू तेरे बॉस को बोलना, जब रणवीर के डैड तेरा ये नाइट क्लब बंद करा देंगे। सर आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब तू मुझे समझाएगी कि हम किस तरह से बात कर सकते हैं। सर आप मिसबिहेव कर रहे हैं। मिसबिहेव? यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, यू ब्लडी। सर आप प्लीज अपनी भाषा पर कंट्रोल कीजिए, वरना मुझे। वरना क्या? वरना मुझे अपने बाउंसर्स को बुलाना पड़ेगा। सर सर प्लीज शांत हो जाइए। सर प्लीज आप शांत हो जाइए। सर प्लीज मानसू। हां यार, ये तो मेरी जान है। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, यहाँ पे तो कचरे का ढेर पड़ा है। किसी लड़की का ही लग रहा है। बाल के साथ साथ खाल भी है। बहुत जोर से खींचा होगा। सर, मुझे तो डाउट है वो लड़की जिंदा भी होगी या नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आसपास कहीं कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली है। लोकल पुलिस स्टेशन में किसी के एक्सीडेंट की कोई खबर भी नहीं है। हाँ सर, लेकिन कोई घायल कंडीशन में भी तो नहीं मिला। और सर जिस इंटेंसिटी से हमला हुआ है, ये बाल, ये खाल, ये खून और ये बॉटल्स, सर शराब पीने के बाद इंसान को कोई होश नहीं होता। जिस तरीके से सड़क के किनारे ये हादसा हुआ है, डेफिनेटली वो आदमी नशे में धुत होगा। और उसी नशे की हालत में उसने गाड़ी भी चलाई है, ये देखा टायर मार्क्स। यू राइट सर, वो लड़की और वो खूनी जरूर गाड़ी में ही आए हों, वरना इतनी रात को ऐसी जगह पे कोई टहलने तो नहीं निकलेगा। हेलो बच्चों, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत। आप लोग? मैं बल्लू, ये पिंटू और ये चिक्कू। अरे वाह, बड़े प्यारे नाम है आप लोगों। तो आप लोगों ने ये सब देखा यहाँ पे, ये सारी चीजें ना?
साहब रात को तो हम लोग सो गए थे, लेकिन हमारे सोने के बाद बच्चे लोग छिप कर क्या कर रहे थे उसका हमें पता नहीं, लेकिन बल्लू अचानक चिल्लाते हुए इन बच्चों के साथ भागकर घर आया। ये बच्चे हमें खींच कर यहाँ ले आए, जैसे हमने यहाँ ये सब देखा तो सीधा सीआईडी को फोन लगाया। क्या आपके इलाके में सब ठीक ठाक है, आई मीन किसी औरत के साथ कोई किसी के गायब होने की? जी नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप बच्चे लोग बिना मम्मी पापा को बताए यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे हैं? सॉरी अंकल, वो हमारे मम्मी पापा हमें कभी पटाखे फोड़ने नहीं देते। देखो बेटा, वो तो इसलिए कि आप लोग छोटे हो, कहीं आप लोग को चोट ना लग जाए, जल ना जाओ, हैं? आगे से ऐसी गलती मत करना, ओके? अच्छा ये बताओ कि ये जो तुमने यहाँ पे चीजें देखी, उस वक्त यहाँ पे कोई आदमी भी था? नहीं अंकल। और कितने बजे आए थे तुम लोग यहाँ पे खेलने? करीब 1:30 बजे सर, बहुत रात हो गई थी। इतनी रात को? अच्छा, और पहले भी आए थे यहाँ पे शाम को या? हाँ सर, हम लोग 11:30-11 बजे तक यहीं पर खेल रहे थे, पर तभी वो बॉटल और वो सब सामान वहाँ पर नहीं थे। मतलब यहाँ जो कुछ भी हुआ है 10:30-11 बजे के बाद और रात 1 बजे के बीच में हुआ है। एक काम करते हैं, आसपास जितने भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, पेट्रोल पंप हैं, वहाँ छानबीन करते हैं, शायद कोई आई विटनेस मिल जाए। क्या आप इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते? इसकी फैमिली का पता लगाना होगा। छाती से गोली मैंने निकाल दी है, पर खून बहुत ज्यादा बह गया है। मुझे नहीं लगता यह बच पाएगा। सर, ये है मिस्टर शशि। ओ, तो आप ही ने फोन किया था? जी, और आप ही उस घायल आदमी को यहाँ पे लेके आए थे। आप उस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, मैं तो बस इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। कौन है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने आप लोगों को कॉल किया था। उस आदमी के पास से आपको कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला क्या? मतलब मोबाइल या पर्स वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं मिला। चोरी, आपसी दुश्मनी या फिर बदला वगैरह हो सकता है? मुझे ये बताइए कि इस आदमी की तबीयत कैसी है? बचने की उम्मीद तो है ना? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे? अच्छा ये आदमी आपको मिला कहाँ था? उस वक्त वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अरे हे भगवान, अरे ये सब कैसे हुआ, किसने किया? बचाओ, प्लीज बचाओ। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम बच जाओगे। मुझे नहीं, उस लड़की को। कौन सी लड़की? वो, प्लीज। अच्छा चलो पहले बलशील रोड पनवे। अजीब इत्तेफाक है, अभिजीत सर वहीं गए हुए हैं। हाँ, आप कह रहे थे कि वो किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। हाँ सर, जिक्र तो कर रहा था, पर वहाँ आसपास कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, वो जगह दिखा सकते हैं आप जहाँ पे आदमी आपको मिला था? अरे सुनो भाई, एक्सक्यूज मी, ये पेट्रोल पंप पे कल रात किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? कितने बजे सर? ये करीब 11:30 से 1:30 बजे रात में। मैं ही था, ओवरटाइम कर रहा था। क्यों साहब, और आप लोग? हम सीआईडी से आए। सीआईडी से? जी, एक केस के बारे में पूछताछ करनी है। जी पूछिए। एक लड़की के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, शायद उसका खून हो चुका। खून? शायद किसी ने दारू पी के हमला किया उस पे। दारू पी के? हाँ, और हमें लगता है वो लड़की या फिर उस पे हमला करने वाले लोग किसी गाड़ी में थे। तो आपने कल रात 11:30 से 1:30 बजे के बीच यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को देखा है जो नशे में धुत हो? हाँ साहब, याद आया, 12:30 बजे एक गाड़ी आई थी पेट्रोल भरवाने के लिए। 12:30 बजे? अच्छा, और? साहब उसमें कुछ लड़के थे, क्या रब गाड़ी चला रहे थे साहब। ओके,
कैसे थे बोलो, दिखने में कैसे थे? काले रंग का शीशा था इसलिए चेहरा देख नहीं पाया। अच्छा ये बताइए, क्या उनके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत शराब पी रखी हो? वो लोग सब गाना गा रहे थे जोर जोर से और मस्ती कर रहे थे, इससे तो लगता है कि वो लोग शराब बहुत ज्यादा पिए हुए थे। शराब पी हुई थी। अच्छा गाड़ी के बारे में बता सकते हो, कौन सी गाड़ी थी, किस कलर की थी? काले कलर की थी, माजिम गाड़ी। काले कलर की माजिम, क्या नंबर क्या था उसका? नहीं साहब नंबर तो याद नहीं है। एक बात बताओ, ये पैसे कैसे दिए थे उन्होंने? I mean, कार्ड से या कैश से? सर कैश पेमेंट की थी, हजार हजार के तीन नोट थे। कैश? अरे लेकिन जब पैसे दिए थे तो चेहरा देखा होगा ना उनका? अरे साहब उन्होंने थोड़ा सा कांच खोला था और हाथ बाहर निकाल कर पैसे दे दिए थे। अच्छा उस गाड़ी में कोई लड़की थी? हाँ साहब एक लड़की थी उसमें। लड़की थी? हाँ साहब जब वो लोग गाड़ी लेकर निकले उसमें से लड़की के गाने की आवाज आई, मैंने पलट कर देखा तो लड़की बाहर हाथ निकाल कर गाना गा रही है, उसके हाथ में रिबन भी थे कुछ। रिबन? अच्छा और कुछ याद है उनके बारे में, गाड़ी के बारे में, उन लोगों के बारे में कुछ भी? हाँ साहब मैं जब पेट्रोल भर रहा था तो मेरे हाथ में कुछ लगा, जब मैंने देखा तो वो केक था। केक? जी हाँ उसके गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे केक लगा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। केक, रिबन, दारू, यंगस्टर, इसका मतलब ये लोग किसी क्लब या फिर प्राइवेट पार्टी से आ रहे हो। हाँ सर ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर, ये घायल आदमी हमें उस पेट्रोल पंप और जहाँ पे लड़की के बाल मिले और वो खून मिला उन दोनों जगहों के बिल्कुल बीच में मिला है सर। सर यही वो जगह थी जहाँ वो आदमी गिरा हुआ था? यहाँ सड़क के किनारे? जी सर यही वो जगह। अरे ये देखो यहाँ पे खून पड़ा है। ये क्या है? कपड़े का टुकड़ा? लड़ी ये तो काफी महंगा मटेरियल लगता है, लगता है ये कपड़े का टुकड़ा किसी लड़की के ड्रेस का है। मुझे नहीं लगता कि इस कपड़े के टुकड़े से हमें कुछ फायदा होने वाला है, ये तो कहीं से भी उड़ के आ गया होगा। नहीं फ्रेडी, जब तक कि केस सॉल्व ना हो जाए किसी भी इंसान या सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये कपड़े का छोटा सा टुकड़ा हमारे लिए बड़ा सबूत बन जाए। ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये है पॉइंट ए। यहाँ पे रात 12:30 बजे ब्लैक माजिम कार में सवार तीन लोग आते हैं, दो लड़के एक लड़की, और ये तीनों के तीनों टल्ली है। अल्कोहल से अपनी टंकी फुल करने के बाद अपनी गाड़ी की टंकी को पेट्रोल से फुल करने आते हैं। तो सर ये है पॉइंट ए यानी कि ये पेट्रोल पंप, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पॉइंट बी जो कि एकदम सुनसान इलाका है, वहाँ पे शशांक को एक आदमी मिलता है जिसके छाती में गोली लगी थी, और उस सुनसान जगह पे हमें नीले रंग का मखमली कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। तो सर क्या वो कपड़े का टुकड़ा उसी औरत का है जिसका जिक्र वो घायल आदमी बार बार शशांक के सामने कर रहा था? हो सकता है, क्योंकि पॉइंट सी जो कि पॉइंट बी से 2.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे हमें खून से सने हुए औरत के बालों का गुच्छा मिला और शराब की दो बॉटलें। तो पॉइंट ए बी सी तीनों को जोड़कर देखें तो फिलहाल ऐसा लगता है कि ये सारा कारनामा उस ब्लैक माजिम कार में सवार नौजवानों का है। तो पहले उस कार का पता लगाते हैं उनमें सवार उन तीनों नौजवानों का, और उससे ज्यादा जरूरी है उस औरत का पता लगाना जिसके खून से सने हुए बालों का गुच्छा हमें मिला था। पता नहीं वो औरत जिंदा भी है या।
इंस्पेक्टर साहब, लगता है इस बार आपका काम थोड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल नहीं हो तो सालू का मजा क्या है। अच्छा, बाल की खाल निकालना तो हमारा काम है। क्या पता चला? पता ये चला है कि ये जो सूखा हुआ खून है किसी लड़की का है जिसकी उम्र 20 से 25 साल है और इस खून में अल्कोहल का जरा भी ट्रेस नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो बाल हमें मिला है, ये बाल और ये 3 नंबर एविडेंस पर जो बाल रखे हुए, ये बाल और ये सूखा हुआ खून, ये दोनों एक ही लड़की के। मेरे ख्याल से हुआ यूं होगा कि किसी ने इस लड़की का सर बहुत बुरी तरह से स्मैश किया होगा, आपस में हाथापाई हुई होगी, और किसी ने इस लड़की के बालों को बहुत बुरी तरह से खींचा होगा, जिसकी वजह से ये बाल चमड़ी के साथ बाहर निकला है। बेचारी कितनी बुरी तरह से वार हुआ है उस पर। और सर, इन बॉटल्स पर फिंगरप्रिंट के निशान तो मिले होंगे, राइट? रॉन्ग। इन बॉटल्स पर उस लड़की का खून इतनी बुरी तरह से बह गया है कि जो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स थे वो सब खत्म हो गए। हाँ, फिर भी कुछ फिंगरप्रिंट्स रहे, लेकिन वो आपस में इतने मिक्स हो गए कि कौन सा फिंगरप्रिंट किसका है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल काम। सर, ये जो नीले रंग का कपड़ा हमें मिला है, मखमली कपड़ा, क्या ये उसी लड़की का है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। ये देखिए, इस बीकर में इसके बालों से जुड़ा हुआ फ्लैश और खून के कुछ बूंदे डाली गई थी, और जैसा कि सालों के सर ने कहा, इसके मांस और खून पे किए गए अल्कोहल और ड्रग टेस्ट दोनों भी नेगेटिव है। पर जब हमने ये कपड़ा टेस्ट किया, ये नीला वाला कपड़ा, तो देखिए इसमें से क्या निकला, ये वाइट डिपॉजिट। लेकिन ये वाइट डिपॉजिट है क्या? ये वाइट डिपॉजिट अमाइन के क्रिस्टल्स है। अमाइन? ये क्या होता है? ड्रग, बहुत ही महंगी और बहुत ही नशीली ड्रग होती है। एक बार जिसको इस ड्रग की आदत लग जाती है उसकी जिंदगी चली जाए, लेकिन ये आदत नहीं जाती। ओह, खून में कोई अल्कोहल नहीं, कोई ड्रग नहीं, मगर कपड़ों पे एमाइन जैसे नशीली चीज के अंश मिले हैं। इसका मतलब है मौका वारदात पे एक नहीं, दो औरतें थी। लगता तो यही है। और सर, उस घायल आदमी के ब्लड टेस्ट में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं क्या? वो नेगेटिव है। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल पंप का स्टाफ जिसका ये कहना है कि गाड़ी में 3 लोग थे जो नशे में धुत थे, और दूसरी तरफ वो लड़की जिस पे वार हुआ उसके ब्लड में कोई अल्कोहल नहीं है। शशांत ने जिस घायल आदमी की मदद की उसके ब्लड में भी कोई अल्कोहल नहीं है। इसका मतलब है उन 3 मस्किटियर्स ने शराब के हालत में गाड़ी चलाते समय 2 लोगों को गाड़ी में लिप्त दिया जिन्होंने कोई नशा नहीं किया था, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। चलो, घायल लड़का तो शशांक को मिल गया, लेकिन वो लड़की कौन थी और वो गई कहाँ? ड्रग का नाम अमाइन है, ये बहुत ही महंगा ड्रग है। हमें उन सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ना होगा जो बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग सप्लाई करते हैं। उन्हीं से पता चलेगा कि ये ड्रग खरीदने वाला शौकीन आदमी है कौन। हेलो, हाँ, ओह नो, थैंक्स। या शशांक ने जिस घायल आदमी की मदद की थी उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसने 2 घंटे में धमकियां, पूछताछ, हाँ, वार्निंग देने के बावजूद तुम लोग मुंह नहीं खोल रहे, बहुत देखता है तुम लोगों में। तुम्हें कुछ नहीं पता साहब, पिछले 2 दिन से हमने कोई माल सप्लाई नहीं किया, यहाँ तक कि किसी पार्टी में माल नहीं दिया। कसम से साहब। कसम से? किसकी कसम खाएगा तू? मेरी? सच बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहे हो? सच तो ये है कि मुंबई के पार्टी सर्किट में सिर्फ तुम 3 अमाइन ड्रग का धंधा करते हो। ये ड्रग बहुत महंगा है, हर जगह आसानी से नहीं मिलता, समझे? नहीं सर, हमारा कोई राज नहीं चलता मार्केट में। मार्केट में और भी बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं साहब। मार्केट में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं? इसका मतलब हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, ये तो CID से बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत लोगों को पकड़ लिया। क्या करें? पब्लिक तो यही समझेगी ना कि CID शरीफ जनता को परेशान कर रही है। सर, हमारे डिपार्टमेंट की तो बहुत बदनामी होगी।
लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अब क्या करें सर? पॉइंट तो है, अब जब पता चली गया है कि हम गलत लोगों को पकड़ के लाए हैं और ये तीनों हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम अपना काम क्यों बिगाड़े? माफ करना यारो, सी आई डी की रेपुटेशन का सवाल है तो तुम सबको खत्म करना होगा। मुझे बोला गया था कि टेबल नंबर 6 पर ड्रेस लेकर ड्रेस रखकर निकल जाओ साहब, दैट्स इट, इतना मुझे पता साहब, और मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। बेवकूफ आदमी, पहले बता देते हमारे 150 रुपए की गोली बच जाती है। क्लब रेवन पनवेल। गुड इवनिंग सर। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे वाह, सामने से मदद का हाथ बढ़ा रहे हो, मैनेजर लगते हो यहाँ के? यस सर, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ सीआईडी वालों की कोई पार्टी होने वाली है क्या? हाँ, एसीपी साहब की शादी कल रात यहाँ कोई पार्टी हुई थी क्या? पार्टी यहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ कल कोई पार्टी नहीं थी। अच्छा, ये भाई साहब तो कल रात यहीं आए थे पार्टी में, आया था कि नहीं? हाँ सर, आया था। मिस्टर मैनेजर, झूठ बोलने के लिए थोड़ी अकल चाहिए, थोड़ी एक्टिंग चाहिए, लेकिन अफसोस आपके पास दोनों ही नहीं है। सर एक काम करते, इस जगह का कोना कोना छान मारते, आई एम श्योर ड्रग्स कहीं ना कहीं गिरी हुई या चिपकी हुई हमें मिल ही जाएगी। सुना तुमने, कुछ मूड बदला, सच बोलने की इच्छा हो रही? सर, देख अभी तक इज्जत से पेश आ रहा हूं, जो हुआ वो बता दे, अपना मुंह के अंदर हाथ डाल के पीछे से, खून का मामला है, समझा? सर सॉरी, रियली सॉरी, हमारे यहाँ कल एक पार्टी हुई थी छोटी सी। रेडी, इसको अंदर ले जाके उल्टा लटका दो। ये इसे क्या कर रहे हैं सर आप? सर सर, वो आदित्य कुमार का बेटा रणवीर कुमार ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी सर। उल्टा लटकाने के 10 मिनट बाद मुझे बुला लेना। सर हमारे यहाँ कोई खून नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुआ था लास्ट में? एक मिनट सर। रिया। हाँ जी सर। रिया, ये लोग सीआईडी से, इनको बताओ कि कल हमारे यहाँ क्या हुआ था। सर वो किसको लगी गोली? किसी को नहीं सर, लकीली सर वो गोली हवा में चल गई, कोई घायल नहीं हुआ सर। हाँ सर, फिर मैंने इन दोनों को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और 12:15 बजे तक पार्टी भी खत्म हो गई। रणवीर कुमार, जैसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल नहीं होगा। अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें रणवीर से मिलना है। रणवीर साहब अभी सो रहे हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जाते, तुम ही चले जाओ। जाओ और जाकर रणवीर को नींद से जगाओ, वरना हम अपनी स्टाइल में जगाएंगे। जाओ। रणवीर साहब रात को अपने दोस्तों के साथ बहुत देर से लौटे, अगर सुबह सुबह मैंने इनको डिस्टर्ब किया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी साहब। ओहो, उसके दोस्त भी यहीं पर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम चुपचाप अंदर जाते हो या? ठीक है सब, जाता हूँ जाता। ये उस पेट्रोल पंप वाले ने जिस तरह की गाड़ी का डिस्क्रिप्शन दिया था, पर वैसी गाड़ी तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो कोई ब्लैक माजिम कार है ही नहीं। अगर वो लड़के वाकई गुनहगार हैं तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उनका पहला कदम होता अपनी गाड़ी को छुपाना। खैर अभी तो सिर्फ शक है, देखते हैं उन लड़कों का क्या कहना है।
सीआईडी को? सर आप लोग यहाँ? शायद आप लोग मेरे डैड मिस्टर आदित्य कुमार से मिलने आए होंगे, राइट? लेकिन वो तो घर पे नहीं है। ऐसे हम तुमसे और तुम्हारे अजीज दोस्तों से मिलना है। दोस्त? कौन से दोस्त ऑफिसर? मिस्टर रणवीर, शायद आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन देना भूल गए कि वो किसी से ये ना बताए कि आपके अय्याश और ये पियक्कर दोस्त आपके घर पे डेरा डाले हुए हैं। सचिन रेड्डी, उन्हें बाहर लेके आओ भाई, सुबह की ताज़ा हवा सेहत के लिए अच्छी होती है। सर वेट वेट, देखिए सर, मैं कानून जानता हूँ, आप बगैर वारंट कुछ नहीं कर सकते सर। तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे कुछ गेस्ट किसी को मारने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी पार्टी में नशीले ड्रग्स का धुआं उड़ाया जाता है, तुम्हारा एक दोस्त किसी लड़की को गन दिखा के डराता है, पब्लिक प्लेस में गोली चलाता है और दूसरे मासूम जानों को खतरे में डालता है, और तुम मुझे कानून सिखाओगे। भागने की कोशिश करता है सर, सर। ये पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे जाओ सीधे। चलो। हम कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे सर। अच्छा अच्छा, भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओलंपिक में जाओगे क्या? बोलो क्यों भाग रहे थे तुम लोग? सर एक्चुअली हमें लगा कि क्लब रेविन में जो झगड़ा हुआ है, आप उस मामले में एक्शन लेने आए हैं, लेकिन सर मैं आपको बता दूं, वहां किसी को कोई चोट नहीं लगी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से हिमांश कौन है? तुम हो ना हिमांश? ये सर, सर मैं पी के धोता, और सर जब मैं ज्यादा पी लेता हूँ ना तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। I'm sorry, sir. सॉरी तो तुम बोलोगे जब तुम्हें गन चलाने की जुर्म में कस्टडी में लिया जाएगा, वो भी ऐसी गन जो तुम्हारी थी ही नहीं। सर आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, सॉरी सर। वो गन कहाँ है रणवीर? कौन सी गन सर? वही गन से हिमांश ने पार्टी में फायर किया था। वो गन तो उसी रात से गायब है सर। गन गायब है? अच्छा ये बताइए कि आपके पास ब्लैक कलर की माजिम कार है क्या? सर मेरे पास ब्लैक माजिम नहीं है। आपके पास नहीं है लेकिन हो सकता है आपके गेस्ट के पास हो। सर आप तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़े हैं, इट्स रिडिकुलस। वैसे भी मेरी पार्टी में बहुत सारे गेस्ट आए, सबके नाम फोन नंबर मैं कहाँ से लाऊं? पनवेल रोड पे दारू पे की कोई भी गाड़ी। एक सेकंड, हमने कब कहा कि हादसा पनवेल रोड पर हुआ था? सर पेपर्स, आई मीन टू से हम सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर, और वैसे भी मेरा घर तो पनवेल में ही है, आई मीन कि हमने इस सब के बारे में कल रात को ही सुना था सर। अभी भी नाइट ड्रेस में हो, आंखें खुलती नहीं है, और जिस न्यूज के बारे में बात कर रहे हो वो आज के पेपर में छप के आई है, जिसे पढ़ना तो दूर, खोल के भी नहीं देखा है। बहुत भाई, अभी पार्टी खत्म, होमवर्क शुरू। वैसे तो हमें मीडिया से पेज 3 पार्टी की स्नैप्स मिल ही जाएंगी, लेकिन रणवीर मुझे तुम्हारी पार्टी की पूरी वीडियो कवरेज और एक एक फोटोग्राफ चाहिए। फ्रेडी, हिमांश को कस्टडी में ले लो। तीन लोग कौन है? फ्रेंड्स है तुम्हारे? नहीं सर, ये तीनों मेरे कजिन्स हैं सर। कजिन्स है? कजिन्स के नाम तो होंगे ना? जी, ये विशाल है, सिद्धि, और ये ईशान है सर। ये नीले ड्रेस में ये लड़की कौन है? सर ये तो मेरी गर्लफ्रेंड संजना है सर। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन में हमें ऐसे नीले रंग के कपड़े का टुकड़ा मिला है। क्या? कहाँ? उसी जगह पर
जहां एक आदमी को गोली से मार दिया गया था। सर, हाँ? सही देखिए। दलवीर के बर्थडे पार्टी में रोमा क्या कर रही थी? तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, ये मेरी पार्टी में क्या कर रही थी मुझे नहीं पता सर, मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी एंजॉय करने में लगा हुआ था सर। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कौन कौन से गेस्ट आते हैं ये तुम्हें पता नहीं है? मैम, कई बार मेरे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, इसीलिए आई हैव नो आइडिया कि ये कौन है। मैम, ये CID की ट्रेनिंग ऑफिसर रोमा है। माय गॉड, रणवीर तेरी पार्टी में CID ऑफिसर थी? सर, इस फोटो में तो रोमा उसी आदमी के साथ है जो जख्मी हालत में पंचवी रोड पर शशांक को मिला था। पूर्वी, रोमा को फोन करो, पता करो इस वक्त कहाँ है वो। सर, ये बात तो सीरियस होती जा रही है। मैं उस ड्रग पेडलर रोहित को लेकर आता हूँ, वो भी वहाँ पार्टी में था। इस रणवीर ने तो रोमा को नहीं देखा, हो सकता है उस रोहित ने देखा हो। सर ठीक है, बुलाओ सर। कैसे सर, रोमा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके हॉस्टल में फोन करो, देखो वहां पे है क्या। सर, चलिए तो रोमा को जानता है क्या? हाँ सर, रोमा जी ने मुझे फोन किया था सर, वो पेज 3 पार्टी सर्किट में उन्हें एंट्री चाहिए थी सर। पेज 3 पार्टी सर्किट में, मगर क्यों? सर, उन क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए जो ड्रग माफिया का फंडिंग करते हैं सर, रोमा जी ने मुझे गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी सर, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सर मैंने रणवीर की पार्टी का टिप दे दिया सर। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ सॉरी सर, वो मैं डर गया था सर। सर, मुझे लगा अगर रोमा जी को कुछ हो जाएगा तो आप तो मेरे कुछ पकड़ेगा ना सर। सर, रोमा पिछले 2 दिनों से हॉस्टल नहीं लौटी। पिछले 2 दिनों से रोमा हॉस्टल से भी गायब है सर? सर, हमने कुछ नहीं किया सर, सर ट्रस्ट मी सर, हम लोग तो रोमा जी को जानते भी नहीं सर। ये सच कह रहा है सर? ये मेरे डैड है। ऑफिसर, आपने मेरे बेटे को यहाँ CID ब्यूरो में क्यों बुलाया है? हमें कुछ पूछताछ करनी थी इनसे। क्या पूछना था? यही कि इनके पास काले रंग की माजिम कार है कि नहीं। हाँ है ना, मेरे पास पिछले साल ही खरीदी है। अच्छा, अगर आपके साहब ज्यादा इनका कहना है कि इनके पास ऐसी कोई कार है ही नहीं। रणवीर, ये क्या हो रहा है? तुमने CID से झूठ क्यों बोला? अरे तुमने अपने बर्थडे पार्टी के बाद मुझे फोन किया था और कहा था कि ब्लैक माजिम चोरी हो गई है। आपकी कार चोरी हो गई? जी हाँ, ये कार थेफ्ट की FIR जो दर्ज की थी उसकी रिपोर्ट। तुम्हारी आदर्श वापस आई या मैं वापस ले आऊं? सर, जैसे मुझे पता चला कि मेरी ब्लैक माजिम कार मर्डर केस में इन्वॉल्व्ड है, मैं बहुत डर गया था सर। सर, मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, लेकिन सर मैंने आपसे झूठ भी नहीं बोला सर। सर, कार मेरे नहीं, डैड के नाम पे है सर। तब ये भी बता दो वो कार है कहाँ। सर, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम सर, आई हैव नो आइडिया वो कार रात को कब कैसे कहाँ गायब हो गई। हाँ सर, रणवीर भैया बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और प्लीज अंकल हमारी बात का यकीन कीजिए, हम सब बेकसूर हैं। ऑफिसर, आप मेरे बेटे को डिटेन नहीं कर सकते। कार चोरी हो गई, गन भी चोरी हो गई है, और पार्टी में गन मेरे बेटे रणवीर ने नहीं हिमांश ने चलाई थी, और बारटेंडर को धमकी भी मेरे बेटे रणवीर ने नहीं हिमांश ने दी थी, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उस रात को मेरा बेटा रणवीर ही गाड़ी चला रहा था। आप तो मोटी मोटी दलील और पूरी तैयारी के साथ यहां पे आए। कानून के दायरे में रह के क्या करना चाहिए और क्या नहीं हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझे? फिलहाल तो हम आपके बेटे रणवीर और इन दोनों को छोड़ रहे हैं, मगर इस ज्यादा दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये नए लोगों का यही प्रॉब्लम है, इतना एक्साइट हो जाते हैं सीनियर्स को इंप्रेस करने में कि खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं।
हाँ सर, रोमा को इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। अगर उसे ड्रग रैकेट को एक्सपोज करना ही था तो वो हमें इन्फॉर्म कर देती। फिर से ट्राई करो फोन उसका। सर अभी भी ऑफ है उसका फोन। इधर रोमा के साथ जो आदमी देखा गया वो मर गया है और उधर रोमा भी गायब है। हेलो सर। हेलो। मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ। जब से रोमा के गायब होने की खबर सुनी है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। कुछ पता चला सर उसके बारे में? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से रोमा के बर्ताव में कुछ गड़बड़ लग रही थी आपको? नहीं सर, मुझे तो लगा कि उसने अपनी छुट्टियाँ एक्सटेंड कर ली है। अक्सर हॉस्टल की लड़कियाँ ऐसा करती है, पर मुझे क्या मालूम था कि वो गायब ही हो जाएगी। गायब होने से पहले रोमा आखिरी बार इस पार्टी में देखी गई इस अजनबी आदमी के साथ। क्या आप इसे पहचानती? हाँ, ये तो विराज है। विराज? हाँ, रोमा का बॉयफ्रेंड। जब आखिरी बार कब बात हुई थी रोमा से? यही कुछ दो रात पहले, तकरीबन 12:30 बजे रोमा ने मुझे फोन किया था और कहा था कि वो विराज के साथ है और 1 घंटे में हॉस्टल पहुंच रही है। मैडम, रात को 12:30 बजे रोमा ने आपको फोन किया तो आपने उसे पूछा नहीं कि वो कहाँ पे? पूछा था ना, तो उसने बताया कि वो पनवेल में है। पनवेल? पनवेल? सर, इसका मतलब वो लड़की रोमा थी? श्रेया, एक काम करो, रोमा के कमरे से उसके डीएनए सैंपल्स उठा लो, उसका टूथब्रश, हेयर ब्रश, उसके बाल, जो भी मिले सब उठा लो। सर घर में कोई नहीं है। लगता रणवीर ने उसे हमारे आने के बारे में पहले से बता दिया। हो सकता है, उसे पता था कि क्राइम सीन से हमें संजना के ड्रेस का टुकड़ा मिला था। एक काम करो, इस घर के अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए, सर ये तो वही ड्रेस है जो उस वीडियो में संजना ने पहनी थी, और ये जूते। मगर ये ड्रेस तो कहीं से भी फटा हुआ नहीं लग रहा। तो फिर वो कपड़े का टुकड़ा जो हमें विराज के बॉडी के पास से मिला था वो कहाँ से आया? सर लड़कियां अक्सर मैचिंग स्कार्फ या रुमाल एक्सेसरीज की तरह यूज करती है, फैशन है सर। इसका मतलब है उसका गलती से क्राइम सीन पर रह गया था। अगर ये संजना पंचशील रोड पर गई थी तो फिर उसके सैंडल इतने साफ सुथरे कैसे हैं? कीचड़, मिट्टी, कुछ तो लगा होना चाहिए था। अनिकेत। सर जल्दी से गैराज में आ जाइए। ठीक है। अनिकेत। सर ये देखिए, मॉप है, इस पे खून लगा हुआ है। शायद रणवीर की कार को इसी माप से साफ किया गया है। सर ये दारू की बॉटल ही मिली है, वहां कोने में छुपा कर रखी गई थी। ठीक है, ऐसी बॉटल हमें उस जगह पे भी मिली थी जहां से हमें रोमा के बाल मिले थे। लगता है हमें यहाँ आने में देरी हो गई।
वो लोग यहाँ से गाड़ी लेके चले गए। सर आई होप रोमा जिंदा हो और सही सलामत हो। ये तो ट्रैप है हमारे लिए। देखो कोई रास्ता है क्या? दरवाजा खोलो। तनुज ने हमसे कहा कि उसका फार्म हाउस पनवेल में है। मेरा घर तो पनवेल में ही है। इसीलिए तनुज, संजना और रणवीर इन तीनों के मोबाइल फोन आखिरी बार एक साथ बता रहा था। वो तीनों यहीं पे थे एक साथ। सर लगता है ये फार्म हाउस भी खाली है। सर यहाँ पर तो कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही, मतलब वो लोग यहाँ से भी भाग गए। एक काम करो निखिल, घर के अंदर जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। सर ये देखिए खून। यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। घसीट के? सर रोमा, सर कहीं रोमा इस फार्म हाउस पे तो नहीं थी? घबरा कर यहाँ फार्म हाउस में आए, रोमा को अपने गाड़ी में डाल के कहीं और ले गए। एक काम करो, बाहर जो भाजी वाला है उसे अंदर लेकर आओ, शायद उसने कुछ देखा हो। सर सर सलंदर से उन तीनों का सेलफोन मिला है। तीनों का सेलफोन? हाँ सर। ओह, सेलफोन इसलिए छोड़ के गए ताकि आगे हम उन्हें ट्रेस ना कर पाए। और सर ये रस्सी और ये खून से सना हुआ कपड़ा भी मिला है। सर लगता है जल्दी टीम छोड़ के भाग गए। अगर रोमा ही वो लड़की है तो इस वक्त वो हम तीनों के कब्जे में है। न जाने वो लोग क्या करेंगे उसके साथ। तुमने यहाँ से किसी गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा? हाँ सर, काले रंग की गाड़ी को देखा। काले रंग की? कब गई गाड़ी? यही सर 2-3 घंटे पहले देखा मैं। 2-3 घंटे पहले? किस तरफ गई थी गाड़ी? गेट से बाहर निकली और बाएं तरफ स्पीड में चली गई। गेट से बाएं तरफ? यहाँ आए होंगे वो थ्री मस्केटियर्स। सर वो तीनों लोग यहाँ पे आए क्यों होंगे? जाहिर सी बात है निखिल, जिस हालत में वो लोग फंसे हैं उस ब्लैक माजिम कार के वजह से, उससे तो छुटकारा पाना ही है। राइट सर, उनको पता था कि अगर गाड़ी मिल जाएगी तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन सर उन लोगों ने उस गाड़ी का किया क्या होगा? कहीं छुपा दिया है, कहीं गायब कर दिया होगा। पर सर एक गाड़ी को गायब करना कोई आसान काम तो नहीं है। शायद, और शायद इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ढूंढो।
गाड़ी यहाँ पे पार्क किया गया है। लेकिन उर्मी हमारा शक सही निकला, वो तीनों यहीं पे थे। वो देखो गाड़ी। सर ये तो ही ब्लैक माजिम कार है, हमें नीचे जाके देखना पड़ेगा। निखिल रस्सी लेके आओ। हाँ डॉक्टर साहब। ओह नो, इसी बात का तो डर था सर। ठीक है, क्या हुआ सर? पंचील रोड पे जिस लड़की का बाल मिला था हमें, वो रोमा ही है। क्या? हाँ, उसका डीएनए मैच हो गया है। अब इसका क्या करें?